घर का पूजा घर या मंदिर बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। इसी से संपूर्ण घर संचालित होता है। पूजा घर का वास्तु के अनुसार होना जरूरी है। इसमें नियम अनुसार ही मूर्तियाँ, पूजा सामग्री या अन्य वस्तुएं रखना चाहिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति वेदा में, जहाँ हम लाते हैं आपके लिए धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी छोटी छोटी बातें जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 चीजों के बारे में जिसे आपको तुरंत ही पूजा घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये 10 चीजें आपकी बर्बादी का कारण हो सकता है। घर के मंदिर या पूजा घर में ये 10 वस्तुएं रखी हुई हैं, तो इन्हें तुरंत हटा दें, वरना आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। पूजा घर वास्तु नियमों के अनुसार होना चाहिए, अन्यथा गलत दिशा में की गई पूजा से लाभ होने के बजाय आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके घर में ये 10 चीजें हैं आपके पूजा घर में, तो इन्हें तुरंत हटा दें। पहला, खंडित मूर्ति। कई बार जाने अनजाने में भगवान की कोई मूर्ति हाथ से छूट जाती है, जिससे उसमें दरार आ जाती है या फिर मूर्ति टूट जाता है। ऐसे मूर्ति को दूषित या खंडित मूर्ति कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पूजा स्थान में कोई खंडित मूर्ति रखते हैं, तो ये आपके पूजा में मन लगाने में बाधा पैदा करता है। अगर आप किसी खंडित मूर्ति या तस्वीर की पूजा करते हैं, तो ये आपके लिए अशुभ संकेत ला सकती है। यदि पूजा घर में खंडित मूर्ति या तस्वीर रखी है, तो उसे तुरंत हटा दें, यह शुभ नहीं मानी जाती है। खंडित मूर्तियां घर में नकारात्मकता लाती है, इसीलिए मूर्तियां या देवी देवताओं की तस्वीरें अगर खंडित हो गई है, तो उसे तुरंत ही अपने घर से हटा दें। उन्हें आदर अनुसार जल में प्रवाहित कर दें। विषम संख्या में मूर्ति। यदि पूजा घर में गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति रखी है, तो उसे भी तुरंत हटा दें। विषम संख्या का मतलब 3, 5, 7 या 9 जैसी संख्या होती है। विषम संख्या में और ज्यादा मूर्ति रखने से बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग असीमित ऊर्जा का प्रतीक है। ये बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। घर में देवी दुर्गा की मूर्तियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। घर के मंदिर में हनुमान जी की बैठी हुई प्रतिमा रखनी चाहिए। घर के मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां रखने से बचना चाहिए। सभी देवी देवताओं की पूजा से जुड़े नियम अलग अलग होते हैं। अगर पूजा में सभी नियमों का पालन नहीं हो पाता है, तो पूजा सफल नहीं मानी जाती है। रौद्र रूप की तस्वीर। किसी भी देवी या देवता की रौद्र रूप की तस्वीर घर में नहीं लगाना चाहिए या पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इसे अनिष्टकारी माना जाता है। देवी देवताओं की रौद्र रूप वाली मूर्तियां, तस्वीरें पूजा घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में झगड़े कलह बढ़ते हैं। घर में देवी देवताओं के सौम्य रूप वाली आशीर्वाद देती हुई मूर्ति या तस्वीर ही रखनी चाहिए। 1 से ज्यादा शंख। कहते हैं 1 से अधिक शंख भी घर में नहीं रखना चाहिए। ज्यादा शंख अशुभ फल माने जाते हैं। खंडित शंख भी घर में के पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं की माने तो शंख का संबंध भगवान विष्णु से है। शंख को भगवान विष्णु के 4 आयुध शस्त्रों में गिना गया है। भगवान विष्णु के हाथों में चक्र, गदा, पद्म यानी कमल का फूल और शंख होता है। शंख को हमेशा पूजा स्थल में कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। इसके साथ ही शंख को घर के पूजा के कमरे में आसन पर रखना चाहिए। 1 से ज्यादा शंख घर में नहीं रखना चाहिए। 1 से अधिक शंख अशुभ माने जाते हैं। घर में खंडित शंख भी नहीं होना चाहिए। 1 को हटाकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। घर में कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर धार्मिक पुस्तकें फट गई हो, तो उन्हें ठीक करवा लें या फिर किसी नदी में प्रवाहित कर दें। कटी फटी धार्मिक पुस्तकों को घर में रखने से पूजा के विपरीत फल मिलते हैं। इसीलिए अगर घर में फटी पुरानी धार्मिक पुस्तकें हैं, तो उसे तुरंत हटा दें या फिर धार्मिक पुस्तकों को तुरंत ही विस्थापित कर दें। फटी हुई धार्मिक पुस्तकों से घर में नकारात्मकता आती है। निर्माल्य। निर्माल्य में बासी फूल, हार या अनुपयोगी पूजा सामग्री आती है। पूजा घर में बासी फूल, अनुपयोगी पूजा सामग्री जैसे जली हुई अगरबत्ती के अवशेष, दिए की जली हुई बाती इत्यादि तुरंत हटा दें, क्योंकि इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। टूटे हुए चावल। घर के पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटे हुए चावल ना रखें। टूटे हुए चावल या पुराने चावल पूजा घर में रखने से घर में दरिद्रता आती है। मंदिर में चावल या अक्षत हमेशा हल्दी में भिगोकर या रंगकर रखना शुभ होता है। पूर्वजों की तस्वीर।
यदि आपने पूजा घर में अपने पूर्वजों या पितरों की तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। मृत परिजनों की तस्वीर देवी देवताओं के साथ रखने से बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो इसे जल्दी हटा दें। मृत परिजनों की तस्वीरों को पूजा स्थान में देवताओं के जगह पर नहीं रखना चाहिए। साधु संतों के चित्र या मूर्ति। हिंदू धर्म में सिर्फ देवताओं की पूजा का विधान है। पूजा घर में किसी साधु या संत की मूर्ति या चित्र ना रखें। देवी देवताओं के साथ साधु संतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो पूजा स्थल के अलावा इनके चित्र लगा सकते हैं। मूर्ति रखने का विधान। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 देवगा मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। इसी के साथ ही माँ काली, शनिदेव और भैरव जी की मूर्ति भी घर में नहीं रखने चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति घर में भी नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही धार्मिक बातों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।